रूटीन बना रखा है उन्होंने ये अपना। सो है गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया योगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज से दो चार दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था मास्टरबेशन साइड इफेक्ट पर, एंड उस पर आपका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। बहुत सारे मेरे भाइयों ने अलग अलग तरीके के कमेंट करे, एंड उसमें से एक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, जो कि एक भाई ने कहा था कि भाई आप ऐसे ही वीडियोज़ बनाते रहा करो, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम मास्टरबेट ना करें। सो इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, वो क्या आया कि क्यों ना इस पर एक सीरीज ही बनाई जाए। सो एक वीडियो हमारा आ चुका है मास्टरबेशन साइड इफेक्ट पर, सेकंड वीडियो आज का, एंड थर्ड वीडियो हमारा जो आएगा वो आएगा हाउ टू क्विट पोर्न। फोर्थ वीडियो जो हमारा आएगा वो आएगा मास्टरबेशन साइड इफेक्ट, जिसमें मैं आपको फिर से 10 टू 20 बताऊंगा। पिछले वाले मैंने सिर्फ 5 बताए थे आई थिंक, एंड इसमें मैं आपको थोड़े ज्यादा बताऊंगा, 10 टू 20 रखेंगे हम वीडियो में, एंड उसके बाद बताएंगे हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन, एंड उसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे। लास्ट वीडियो जो हमारे इस सीरीज का होगा वो होगा हाउ टू रिकवर व्हाट यू लॉस्ट फ्रॉम मास्टरबेशन। सो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल सीरीज होगी उनके लिए जो लोग मास्टरबेशन एडिक्ट हैं। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको क्या लगता है इसके बारे में। बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का वीडियो हमारा ये होने वाला है, व्हाट विल हैपन इफ यू डोंट मास्टरबेट फॉर 15 डेज। क्या आपके अंदर चेंजेस आएंगे? जो लोग मास्टरबेशन के एडिक्ट है, दिन में 4 बार 5 बार लगे रहते हैं, पर डे उनका रूटीन बना रखा है उन्होंने ये अपना, सो उन पे क्या चेंजेस आएंगे, ज्यादा नहीं सिर्फ 15 दिन अगर वो मास्टरबेट नहीं करेंगे। सो वही आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपको अगर अपने किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए ग्रूमिंग लाइफस्टाइल फैशन से रिलेटेड, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं, वहां पर आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको आंखों से विजिबल होगा, आपकी आंखों से वो दिखेगा, वो क्या है? फेस ग्लो। जी हाँ, आपके फेस पर जो डलनेस पड़ी रहती थी, जैसा अगली आपका फेस लगता था वैसा नहीं लगेगा, आपका फेस ग्लोइंग होने लगेगा। अब ये मत सोचना कि 15 दिन में ही बहुत ज्यादा ग्लो करने लग जाएगा आपका फेस, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, बट जैसा आपका फेस 15 दिन पहले था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक आप फोटो उस दिन क्लिक करना 15 दिन से पहले, एक 15 दिन बाद क्लिक करना, डिफरेंस आपको पता चल जाएगा, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा। देन बात कर लेते हैं मेरे सेकंड पॉइंट की, जो कि आपको इंटरनली महसूस होगा वो क्या है? वो है यू फील द एनर्जी। आपके अंदर एनर्जी कूट कूट के आ जाएगी, यानी कि आपको जो बाकी के डेज आप जब मास्टरबेट करते रहते थे, आप देखोगे कि आपके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आएगी, आप वो आलसी बने हुए नहीं रहोगे जो आप दिन भर बेड पे पड़े हुए रहते थे, यानी कि कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता था, एनर्जी नहीं रहती थी बॉडी में, आलस बहुत ज्यादा होता था, वो नहीं आएगा। यू फील एनर्जेटिक एवरी डे एवरी टाइम, ये चीज देखना आप, रिजल्ट इंटरनली आपको ये पता चल जाएगा। देन थर्ड पॉइंट, योर माइंड। जी हाँ, आपका माइंड, आप कोई भी काम करोगे वहां पर स्टेबल होगा, इधर उधर नहीं भटकेगा। आपको ये चीज पता होगी, जो लोग मास्टरबेट एडिक्ट है उन्हें तो ये चीज पता होगी, उनका दिमाग कभी भी एक जगह पर नहीं रहता। दिमाग वैसे किसी का भी एक जगह पर नहीं रहता, इधर उधर भागता रहता है, बट आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, उन लोगों का माइंड जो भी काम आप करोगे उस जगह अच्छी तरीके से लगेगा, ये चीज आप खुद अपने अंदर नोटिस करोगे 15 दिन बाद। देन हमारा फोर्थ पॉइंट जो कि है गुड स्लीप। अब आप बोलोगे स्लीप तो वैसे भी हम लेते हैं मास्टरबेशन करने के बाद, तो सबसे ज़्यादा नींद ही आती है, सोते तो हम वैसे भी, बट वो गुड स्लीप नहीं होती मेरे भाई, वो एक बैड स्लीप होती है जो कि आपको मास्टरबेट करने के बाद आती है, एंड जो एक हेल्दी स्लीप होती है वो एक हेल्दी स्लीप होती है जो कि आप अपना वर्क करके, अपना जो भी काम करते हो, स्टडी करते हो, कुछ भी करते हो, अपना पूरा डे खत्म करने के बाद आपको नाइट में एक अच्छी हेल्दी स्लीप आती है, यानी कि यू फील हेल्दी व्हेन यू स्लीप, व्हेन यू वेक अप एवरी टाइम यू फील हेल्दी। जब भी आप सोने जाओगे, सोकर उठोगे, आपको हेल्दी महसूस होगा, यकीन मानिए, वो एक हेल्दी स्लीप होती है जिससे आप खुश हो, ना कि जो आप समझ जाओ आप। देन बात कर लेते हैं हमारे फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट की, जो कि है मेंटेलिटी। यहाँ आपकी मेंटेलिटी, आपका ये दिमाग जो है वो बदलने लग जाएगा, लोगों को देखने का आपका नजरिया बदलने लग जाएगा। एक मास्टरबेट एडिक्ट किस तरीके से लोगों को देखता है वो सबको पता है, सभी को पता है। सो वही आपकी मेंटेलिटी देखना चेंज होने लग जाएगी, आपका कहीं और दिमाग लड़ने के बजाय कहीं और ही लगने लगेगा, अच्छी चीज़ों में दिमाग ज़्यादा लगेगा, इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे दूर होने लगेगा जब आप थोड़े बिजी रहने लगोगे। सो आपकी मेंटेलिटी भी काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगेगी। सो बस गाइस, यही थे हमारे 5 पॉइंट जो कि आपको फायदे बहुत सारे मिलेंगे, यकीन मानिए। आप 15 दिन नोफैप पर चलते हैं तो आज से 15 डेज तो कम से कम नोफैप पे चले, बाकी ये सीरीज आगे चलती रहेगी। प्लेलिस्ट बना के मैं डाल दूंगा, किस नाम से डालेंगे, हाउ टू स्टॉप मास्टरबेशन के नाम से ये प्लेलिस्ट हम बना देंगे, एंड इस पर वीडियोज़ मैं डालता रहूँगा जिससे कि जो मास्टरबेशन एडिक्ट है उन्हें काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचे, मेरे भाइयों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुँचे, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी पाएँ। एंड सो बस गाइस, इतने था आज की वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब करके जाना, हिट द लाइक बटन, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।